नेक्स्ट हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक जो है उनके मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ है कि जी अगर उनको मैकेनिकली डिस्टर्ब किया जाए तो वो किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एग्जिबिट करेंगे। जी सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जी क्या हम सॉलिड्स की शेप को चेंज कर सकते हैं, क्या हम उनको डीफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल जी, डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड से सिंपली ये मुराद है कि आप किसी तरह से उनकी शेप के अंदर, उनकी लेंथ में, उनकी वॉल्यूम में चेंज लेकर आएँ किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो हम ये कह रहे हैं कि जी हम अपने सॉलिड को डीफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि जी हमारे पास एक सॉफ्ट रबड़ बॉल है, आप उसको जो है स्क्वीज़ कर सकते हैं, देन अगर आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप हासिल कर लेगा। इसी तरह से हमारे पास एक रबड़ स्ट्रिंग है, अगर आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ जो है अलॉन्गेट होता चला जाएगा, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इन जनरल होता क्या है कि जब आप किसी भी जो हमारे पास सिस्टम है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होगा। जी अगर आप जो है कंप्रेस कर रहे हैं तो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा और जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अकॉर्डिंग, और अगर आप जो है वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। इसी वेरिएशन की वजह से जो है हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि जी अगर कोई बॉडी जिसको आपने डिफॉर्म किया है वो आफ्टर द रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर ले, दोबारा से सेम उसी स्टेट पर वापस आ जाए, तो हम कहेंगे कि जी हमारा जो सिस्टम है ये इलास्टिसिटी जो है फिनोमेना को शो कर रहा है, यानी कि उसने अपनी दोबारा से शेप को मेंटेन कर लिया है। इसके अलावा मैकेनिकली अगर आप जो है किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है स्ट्रेस लगाएंगे। स्ट्रेस क्या है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर आप अपने सिस्टम पर फोर्स लगा रहे हैं एरिया के लिहाज से तो जी हम ये कहेंगे कि आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। अब स्ट्रेस जो है ये हमारे पास जो है वो तीन किस्म की है, टेंसाइल स्ट्रेस है, वॉल्यूम स्ट्रेस है और शीयर स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस में आप जो फोर्स पर एरिया लगाएंगे उससे लेंथ में चेंज आएगा। आप देख सकते हैं एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल जो है वो चेंज हो गई है। तो ये जो वेरिएशन इन लेंथ है ये टेंसाइल स्ट्रेस को कोरिस्पॉन्ड करेगा ड्यू टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसके अलावा जो वॉल्यूम आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेस है उसमें जो चेंज है वो वॉल्यूम में आएगा, कि आप किसी चीज़ पे जो है वो फोर्स पर एरिया लगा रहे हैं और उससे जो है हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। देन हमारे पास शीयर स्ट्रेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट की शेप जो है उसमें तब्दीली आ जाती है। अब ये जो चेंज आता है, वो जो डिफॉर्मेशन आती है, हम उसको मेजर करते हैं स्ट्रेन से। स्ट्रेन भी हमारे पास उसी तरह से तीन किस्म की है कि जी अगर लेंथ में चेंज आता है, लेंथ में डिफॉर्मेशन होती है, लेंथ कम ज़्यादा होती है, तो हम कहेंगे जी ये हमारी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन को कोरिस्पॉन्ड कर रही है, और हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो इक्वल होती है जी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, कि जी जितना चेंज आया है अगर आप उसे डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ से तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगी। जैसे कि जी अगर चेंज जो है हमारा वो डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ जो है वो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट की गई है, तो देन हमारे पास स्ट्रेन होगी जी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। इसके अलावा अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो स्ट्रेन को हम डिफाइन करेंगे डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह से अगर शेप में चेंज है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका एरिया जो है अपर एरिया जो है वो हमारे पास ए है और उसकी हाइट जो है वो एच है, और ये आपको प्रॉपर एक शेप में जो है रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप क्या देखते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप जो इसमें सर्टन बेंड जो है वो आ जाता है। अब कितना आपने उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेस किया है वो है जी हमारे पास डेल्टा एक्स, और इसकी हाइट कितनी थी जिसके जिस
डायरेक्शन जिस पोजीशन के ऊपर फोर्स लग रही है वहाँ से हमारे पास इसकी जो लेंथ थी वो थी एच। तो जो शीयर स्ट्रेन है उसको हम डिफाइन करेंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पर वो जो डिफॉर्म जो शेप में जो डिफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंगली जो अल्फा जो एंगल है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे फाई से। तो हम इस शीयर स्ट्रेन को टेन फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका ये जो फाई है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो तो रेडियंस में हमारे पास जो शीयर स्ट्रेन है ये जस्ट इस फाई के इक्वल भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जो है वो रेशियो फाइंड आउट करें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी तीन कैटेगरीज हैं कि जी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सबसे पहले अगर लेंथ में चेंज आए तो हम डिफाइन करेंगे यंग्स मॉडुलस को, जो कि इक्वल होगा फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसके बाद बल्क मॉडुलस है जी हमारे पास अगर वॉल्यूम में चेंज आता है, तो उसके लिए हम स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया को डिवाइड करेंगे स्ट्रेन यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास है जी शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस में जी हमारे पास है जी अगर उसमें उसी तरह से स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम डिवाइड कर देंगे जी टैन फाई से, जो कि शेप में चेंजिंग की वजह से हमारे पास जो स्ट्रेन है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब एक बहुत ही जो है अहम ग्राफ है जिसमें हम ओवरऑल बिहेवियर स्टडी करते हैं किसी भी डक्टाइल मटेरियल का, कि जी अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और यानी कि स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रेन है उसका बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास सर्टन जो हैं वो पॉइंट्स हैं ओ से ए तक, फिर ए बी है, हमारे पास सी पॉइंट है और हमारे पास डी पॉइंट है। अब ये इसका जो ओवरऑल बिहेवियर है इसे देख लेते हैं। सबसे पहले ओ से ए तक हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है और ए पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट को कॉरिस्पॉन्ड करता है, यानी कि ओ से ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि हुक्स लॉ जो है वो ओ से ए तक होल्ड करेगा। अगर आप ए से बियॉन्ड चलते हैं तो ए से बियॉन्ड जाते हुए हमारे पास जो है अब वो ए और बी के दरमियान जो है स्ट्रेट रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन अब जो है अगर ए से बी तक भी अगर आप अपनी स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन कर सकती है। इसका मतलब है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बी तक ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट के अंदर है, यानी कि अगर आप अपनी स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप को अटेन कर लेगा, लेकिन अगर आप बी जिसको यील्ड पॉइंट कहते हैं उसे क्रॉस करते हैं और बी और सी के रीजन में एंटर हो जाते हैं, देन हमारा जो मटेरियल है अब वो इलास्टिक नहीं रहा बल्कि अब वो प्लास्टिसिटी का फिनोमेना शुरू शो करेगा, यानी कि अब उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब आप तो अगर अपनी स्ट्रेस को रिमूव करते हैं बी को क्रॉस करने के बाद तो और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन जो है शेप को अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेस अब इस कदर ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को अचीव नहीं कर सकता, हत्ता कि आप जो है वो सी तक चले गए हैं। अब सी पॉइंट जो है वो इन जनरल कॉरिस्पॉन्ड करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को, यानी कि सी उस पॉइंट को कॉरिस्पॉन्ड करता है जहाँ तक ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर आप इससे भी अपनी स्ट्रेस को बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा जी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी स्ट्रेस को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो जी इसमें हमारे पास जो है दो किस्म के सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं। एक है जी हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंस है, उनमें कि जी वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास बी से सी पोजीशन तक जा सकते हैं, यानी कि हम उनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, आप उनकी स्ट्रेस इतनी बढ़ा सकते हैं कि जी वो परमानेंटली डीफॉर्म तो हो जाएं लेकिन वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें हमारे पास लेड है, कॉपर है और हमारे पास रॉट आयरन है। इसके अलावा जी हमारे पास है ब्रिटल सब्सटेंस।
ब्रिटल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते ही फ्रैक्चर हो जाएंगे, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इनमें हमारे पास शामिल हैं ग्लास और हाई कार्बन स्टील। अब जब हम किसी भी जो है मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं, तो उसकी डिफॉर्मेशन के दौरान जब हम जो है उसकी शेप को चेंज कर रहे होंगे, तो कोई एनर्जी जो है वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है, जो कि इन जनरल उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करती है। कि जी जब आप उन्हें डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे डिफॉर्म मटेरियल में। अगर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ग्राफ में एक तरफ जो है वो एक्सटेंशन को प्लॉट किया गया है एक्स एक्सिस पे, और हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमारे पास फोर्स है, और हम क्योंकि हमारे पास ये जो केस है इसमें फोर्स और जो एक्सटेंशन है, ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट फोर्स के ज़ेरे असर नहीं है, देन हम क्या करेंगे जी, हम पूरे पाथ को पैचेस में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हर पैच का वर्क डन कैलकुलेट करते हुए हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इन जनरल कोरिस्पॉन्ड करेगा स्ट्रेन एनर्जी को, कि जो आपने फोर्स लगाई थी उसकी वजह से जो स्ट्रेन है वो कितनी हो रही है जी हमारे पास बॉडी में। अब हम कैलकुलेट अगर करें तो हम एरिया अंडर दी ग्राफ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा W इज़ इक्वल टू हाफ एल वन एफ वन, और अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा हाफ ई ए एल वन डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर एल वन जो है वो हमारे पास स्ट्रेन है, जो चेंज इन लेंथ है उसको कोरिस्पॉन्ड करता है, और हमारे पास कैपिटल एल जो है वो टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ई जो है वो हमारे पास जो है इलास्टिक मॉडल्स है, जो यंग्स मॉडल्स को कोरिस्पॉन्ड यहाँ पे करेगा, क्योंकि वेरिएशन जो है वो लेंथ में है। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। ग्रेटर द इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट इन अ सॉलिड मींस डैश द इलास्टिक बिहेवियर। अगर जी आप इंटर एटॉमिक जो कोहेसिव फोर्सेस हैं अगर वो ज़्यादा होंगी, तो लाजमी तौर पर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन को मेनटेन करने की सलाहियत ज़्यादा रखेगा। यानी कि अगर ज़्यादा आपके पास इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस हैं तो इलास्टिक बिहेवियर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, द मैक्सिमम स्ट्रेस डेटा मटेरियल कैन विदस्टैंड प्रायर टू फ्रैक्चर इज़, जी कितनी हमारे पास स्ट्रेस जो है जिसको हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रैक्चर होने से पहले बर्दाश्त कर सकता है। तो ये हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ होती है किसी भी मटेरियल की, जो कि इन जनरल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को कोरिस्पॉन्ड करती है। तो सी जो है हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है।